अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हमारी याददाश्त कैसे किसी चीज़ को याद रखने में काम करती है। तो अगर आप सब नाज़रीन जानना चाहते हैं तो आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि किसी भी इंसान की याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। दोस्तों, कुछ ऐसे असूल होते हैं जो कि हमारी याददाश्त पर लागू हो जाते हैं। चलिए मैं आपको कुछ मिसालों से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर आपके साथ कोई दिलचस्प या कोई गमगीन वाकया पेश आ गया हो तो आप उस वाकये को कभी भी नहीं भुला सकेंगे और वो वाकया आपकी याददाश्त में एक जगह बैठ जाएगा और आपकी याददाश्त उसे याद करने में बार बार आपको मजबूर करेगी। इसी तरह अगर कोई ऐसा नाम जिसको आपने याद रखना हो और वो नाम पहले से ही आपके घर या आपके खानदान में मौजूद हो तो आपको जो नाम याद रखना हो उसको आसानी के साथ याद रख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अगर आपकी मुलाकात 10 बंदों से हो और जो आखिरी बंदा आपको मिलेगा वो आपको याद रह जाएगा और आपकी याददाश्त को भी पहले से बेहतर कर देगा। दोस्तों, आसान अल्फाज में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ से पहले से ही वाकिफ हों आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी और आपकी याददाश्त को भी बेहतर बना देगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रही होगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली और नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।